अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द इफेक्ट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक। इन माय लास्ट लेक्चर ऑन दिस टॉपिक वी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मोग्राफ, रिचर स्केल व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। वी आल्सो डिस्कस्ड द काज ऑफ अर्थक्वेक, दैट्स टेक्टोनिक प्लेट्स, देन फोकस, एपिसेंटर, एक्स्ट्रा। ये हमने सब कुछ उस लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे इन अर्थक्वेक्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं और इनको हम बेटरली कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। सो टॉकिंग ऑफ द इफेक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट सम अर्थक्वेक्स आर वीक एंड सम आर स्ट्रॉन्ग। ये वीक अर्थक्वेक्स जो होते हैं इनसे ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, और इनमें से कुछ अर्थक्वेक्स ऐसे जिनको हम फील भी नहीं कर सकते, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 to 2 ऑन रिचर स्केल, उनको हम फील नहीं कर सकते हैं। फिर वो वाले वीक अर्थक्वेक्स जिनको हम फील कर सकते हैं, लाइक 3, हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ 3, 4, 5 एक्स्ट्रा, लेकिन उनसे ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। अब बात करेंगे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स की, हैविंग द मैग्नीट्यूड 6+, दैट 7, 8 एक्स्ट्रा, उनसे बहुत डैमेज हो सकता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। यहाँ हम इफेक्ट्स जो है वो हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं। मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मटीरियलिस्टिक डैमेज होता है स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स से, ठीक है। बहुत सारी जानी जाती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे जो क्रिएचर्स है, प्लांट्स है, बाकी एनिमल्स हैं, उनको भी बहुत डैमेज होता है, उनकी जाने भी जाती है। देन लैंड स्लाइडिंग होती है, एवलांच होते हैं, लैंड स्लाइड्स और बिग पीसेज ऑफ रॉक्स एंड मड विच स्लाइड डाउन द माउंटेन, माउंटेन से जो गिरते हैं बड़े रॉक पीसेज और ये मड पीसेस, ठीक है। एवलांच, बिग पीसेस ऑफ आइस जो माउंटेन से गिरते हैं। अब जो बेस में जो विलेजेस एंड टाउन्स होंगे ऑब्वियसली उनको डैमेज होगा इन लैंडस्लाइड से और एवलांच से, दैट्स बिग पीसेस ऑफ रॉक से, मड से और इन आइसी पीसेस से। यहाँ पे दो फेमस एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स और द नेपाल अर्थक्वेक, ईयर ऑफ ऑकरेंस 2015 में हुआ था ये, इसका मैग्नीट्यूड 7.9 और रिचर स्केल मेजर किया गया जॉलोजिस्ट्स ने। देन गुजरात अर्थक्वेक, हैविंग द मैग्नीट्यूड 6.9 ऑन रिचर स्केल, ईयर ऑफ ऑकरेंस वाज 2001। इन दोनों अर्थक्वेक्स ने बहुत तबाही मचाई, ठीक है, नेपाल में भी और गुजरात में भी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हमको कैसे मैनेज करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मच लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमको दो हेडिंग्स में ये मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे, अर्थक्वेक से पहले क्या करना चाहिए और अर्थक्वेक के बाद हमको ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जब हो रहा होगा उस टाइम हमको क्या करना चाहिए। देखिए अर्थक्वेक्स जो होते हैं ये कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि माई एरिया इज़ नॉट अर्थक्वेक प्रोन एरिया तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स नहीं होंगे। अर्थक्वेक किसी भी जगह आ सकता है, दे आर नेचुरल डिजास्टर्स, किसी भी जगह हो सकता है, नेचुरल फिनोमेना। सो हमें हमेशा प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो मटेरियल्स घर में अवेलेबल रखने चाहिए जिनसे हम बच सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑफ व्हाट वी शुड डू बिफोर एन अर्थक्वेक एंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 167 वेयर मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक इज रिटन। जैसे यहाँ पे है व्हाट टू डू बिफोर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से पहले क्या क्या हमको करना चाहिए, कौन से मेजर्स लेने फॉलो करने चाहिए जिनसे हम ज़्यादा डैमेज होने ना दे पाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे घरों में जो कपबोर्ड्स होती है, अलमारियाँ होते हैं, शेल्व्स होते हैं, उनको वॉल्स के साथ प्रॉपरली फिक्स होना चाहिए ताकि अर्थक्वेक जब आएगा उनसे वो गिर ना पाए, ठीक है। नंबर सेकेंड जो है, इलेक्ट्रिक केबल्स में भी डैमेज्ड, ठीक है, रिजल्टिंग इन फायर, क्योंकि कंटिन्यूस शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, उनसे जो इलेक्ट्रिक केबल्स है वो डैमेज हो सकते हैं जिनसे फायर भी हो सकता है, आग लग सकती है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वी मस्ट हैव सम फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स इन आर होम्स या बिल्डिंग्स, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं हमें घरों में अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार अगर आग लग भी सकती है इधर विद द हेल्प ऑफ अर्थक्वेक, या तो कभी ऐसे भी लग सकती है आग, उससे हम मैक्सिमम डैमेज ना होने दें, ठीक है। नेक्स्ट इज तो हमें अर्थक्वेक जो है उसका पहले ही प्लान बनाना चाहिए, क्या करेंगे हम ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ठीक है। तो फिर ये प्लान जो हमारा है ये हमें बाकी लोगों में शेयर करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे शेयरिंग डिवाइसेस है, ठीक है, सोशल मीडिया है, उनकी वजह से हमको बाकी लोगों को आगाह करना चाहिए कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जब अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। तो आपको इमरजेंसी चीज़ें घर पे रखनी चाहिए, लाइक यू शुड हैव फर्स्ट एड किट। अब फर्स्ट एड किट तो हर किसी घर में आई थिंक
अवेलेबल होता है. मेडिसिन रखनी चाहिए, टॉर्च लाइट, देन सम वाटर, सम लाइट फूड, बिस्किट्स एट्सेट्रा, ब्रेड एट्सेट्रा, एंड बैटरी ऑपरेटेड रेडियो. देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियो जो है दैट शुड बी बैटरी ऑपरेटेड, नॉट डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूजुअली ऑफ होती है, कट की जाती है ज्यूरिंग अर्थक्वेक्स, तब हमको रेडियो की ज़रूरत होती है, हमें न्यूज़ चाहिए कि आगे क्या होगा, ठीक है. तो वो चीज़ हमको घर में अवेलेबल होने चाहिए, बैटरी ऑपरेटेड रेडियो. नाउ व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक हो रहा होता है उस टाइम हमको क्या करना चाहिए. हियर व्हेन यू फील सम ट्रिमर, जब आपको लगे कि शेकिंग हो रही है, स्टार्ट हो रही है, आपको ये रूल करना चाहिए, ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन. आपको किसी फर्नीचर, बड़े से फर्नीचर पीस का सहारा लेना चाहिए, ठीक है, लाइक टेबल चेयर घरों में तो यूजुअली अवेलेबल होती है, इनके नीचे रहना चाहिए और इसको अच्छे से पकड़ना चाहिए, ठीक है, ताकि ये मुँह ना हो सके. नेक्स्ट है, अगर आप सेफ बिल्डिंग में हो तो वहीं पे रहो, ठीक है, अगर बिल्डिंग सेफ़ है तो वहीं रहो. अगर अब आपको लगे कि इस बिल्डिंग में क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं तो फिर आपको इस बिल्डिंग से बाहर निकल के किसी ओपन एरिया में जाना चाहिए, ठीक है. वी मस्ट ऑलवेज यूज स्टेयर्स एंड नॉट द लिफ्ट, हमें स्टेयर्स जो सीढ़ियाँ हैं वो यूज़ करनी चाहिए एंड नॉट द लिफ्ट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. बाकी जो नंबर थर्ड पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग्स हमें दूर रहना चाहिए, साइन बोर्ड्स, पोल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड ट्रीज, इन चीज़ों के नीचे हमें नहीं रहना चाहिए ताकि आप पे गिरना जाए ड्यूरिंग अर्थक्वेक, बिकॉज देर इज कंटिन्यूस शेकिंग ऑफ अर्थ. देन अगर आप कार में हो तो आप उसको सेफ जगह पे ले जा सकते हो, मस्ट ड्राइव अ कार टू अ सेफ प्लेस, और आप कार में ही रहिए जब तक ये शेकिंग स्टॉप ना हो जाए, ठीक है. सो दीज आर सम प्रिकॉशंस विच वी मस्ट फॉलो बिफोर एन अर्थक्वेक एंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आर सेल्व फ्रॉम मैक्सिमम डैमेज. Hope you have understood this lecture. Thank you.